अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि अपने पासपोर्ट नंबर से आप अपना वीज़ा स्टम्पिंग कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि आपका वीज़ा स्टम्प हो गया है कि नहीं हो गया है। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना के दिए हैं, आप चाहें तो उसको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन उस पे बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे मालूम चलेगा कि मेरा वीज़ा स्टम्प हो गया नहीं हो गया, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि उस पर भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए ये बताने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से आपको समझाऊँगा अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज करते हैं, इसलिए मैं ये प्रोसेस मैं आपको मोबाइल पे ही समझाने वाला हूँ। चलिए ले चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल के स्क्रीन पर जाने के बाद आपको सिंपली गूगल गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल में बस यही लिखना, देखिए जैसे मैं ये लिखा हूँ ऊपर, ये लिखा हूँ ऊपर ना, ये देख सकते हैं आप जिस तरह से मैं सर्च किया हूँ वीजा पर्सन फॉरवर्ड गेट अप्लीकेंट डाटा, ठीक ना, आपको यही सर्च करना है अपने गूगल क्रोम में। जब गूगल क्रोम में सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा इस टाइप का पेज पहले नंबर पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक पे, ये सीधा यहाँ पे वेबसाइट के बगल में आप देख सकते हैं इधर वीजा पर्सन शो कर रहा है, यानी इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। दूसरे पेज पे जाने के बाद अगर देखिए मेरा ये इधर इंग्लिश में आ रहा है, मैं इसको एक बार अरबी में करके फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए अभी मेरा अरबी में है तो इसको इंग्लिश में करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर जो थ्री लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है और इसको नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर इधर इंग्लिश आएगा, इसको इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया मेन पेज आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले नंबर पर अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर डालेंगे और फिर यहाँ दूसरे नंबर पर आपको अपना नेशनलिटी यानी किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी, तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वीज़ा टाइप में दूसरे नंबर पर आ रहा है वीज़ा टाइप, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे आपको कौन सा वीज़ा है, हज है, उमरा है, वर्क वीज़ा है, कौन सा है। मेरा वर्क वीज़ा है, देखिए तो मैं यहाँ पर वर्क पर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और वीज़ा यूजिंग अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से आपका वीज़ा लगा हुआ है यह यहाँ पे सिलेक्ट करना है, दिल्ली से लगा हुआ, मुंबई से लगा है, लेकिन मेरा तो मुंबई से लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लूँगा, मुंबई थोड़ा नीचे होगा, नीचे मुंबई है, इधर मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको बारी आती है ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, ये जो कोड दिख रही है, कोड यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे कोड डालने के बाद आपको यहाँ से सर्च कर देंगे, यहाँ पे यहाँ सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च करेंगे। यह सर्च करने के बाद ही आपको पता चलेगा, मैं बताऊँगा कि कैसे पता चलेगा कि आपका वीज़ा स्टम्प हो गया। इसको सर्च करेंगे, फिर देखिए हमने सारा कुछ फिल कर लिया है, बस मुझे इसको यहाँ से सर्च करना है। बस यहाँ पर सर्च किया और जैसे ही सर्च करेंगे देखिए मेरा सब कुछ ओपन, देखिए ये जो ऊपर ये जो आ रहा लिख के ना, वीजा हैज बिन इशूड नंबर, अगर ये आपका नंबर शो कर रहा है तो यकीन मारिए मानिए कि आपका वीजा स्टंप हो गया है। अगर ये शो नहीं कर रहा है तो आपका वीजा स्टंप नहीं हो रहा, बस आपका मोफा हुआ है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ये नंबर शो कर दे, ये पॉप पहले ये शो कर दे आपका, तो समझ जाइए आपका वीजा स्टंप होगा। अगर ये शो नहीं किया तो अभी आपका वीजा स्टंप नहीं हुआ, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आपको, और पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा आपका। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो आई होप आपको वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा रहा आपका ये वीडियो, ठीक है ना। और अपने यार दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ध्यान से, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।